हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। टुडे आई वर्क अप एट 5:16 AM एंड विद अ लॉट ऑफ बैकलॉग्स आवर्स। मुझे आज पढ़ना है ट्यूशन के अलावा कितना घंटा, 9 hours and 30 minutes। तो सबसे पहले मैंने बॉटल फिलअप करा एंड पढ़ाई स्टार्ट करी एंड 1.5 घंटे की पढ़ाई करी मैंने। ट्यूशन जाने से पहले मैंने सबसे पहले नोट्स रीड करा था एंड ये क्लिप छोटी सी है बिकॉज मैंने बहुत सारी क्लिप्स बनाई थी बट जिसमें बनाई थी फ़ोन में वो डेड हो चुकी है एंड आई डोंट थिंक कि ये ओपन होगी दोबारा कभी भी बिकॉज उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई है गाइस। मेरे पास पता नहीं क्यों मेरी वीडियो क्लिप्स हमेशा धोखा दे देती हैं यार। बहुत ये वीडियो थोड़ी और लॉन्ग होती बट नहीं हो पाएगी बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ क्लिप्स। तो मैंने ये पहले रीडिंग करा नोट्स पूरा अच्छे से हेल्थ एंड डिजीज़ वाला, जैसे मुझे 1.5 घंटे लग गए एंड आई डोंट थिंक कि मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं रीड करूँगी तो इससे कम टाइम लगेगा बिकॉज मैंने अच्छे से रीड करा था इसे एंड मैंने इसकी टाइम लैप्स बनाई थी गाइस। बट छोड़ो उस बात को यार, इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर मैंने पी अपनी मॉर्निंग वाली चाय एंड देन आई टुक शावर एंड गेट अप रेडी एंड मैं चली गई क्लासेस के लिए। फिर मैं आई वहाँ से तो मैं अपना ब्रेकफास्ट करा जिसमें आज खिचड़ी थी एंड फिर क्लासेस के आने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करा अभी लंच ब्रेकफास्ट करने के बाद एंड अभी मैं जा रही हूँ पढ़ाई स्टार्ट करने एंड मैं आज मुझे पढ़ना है क्योंकि मैं आज 2 घंटे की क्लास ली तो मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं एंड 1.5 घंटा कल का मतलब जो मैंने 1-1 घंटे से डिवाइड करे उसका तो 8 घंटा and 1 घंटा और 9 घंटा मुझे पढ़ना है। 9 घंटा and 30 मिनट्स ही पढ़ना है मुझे तो जा रही हूँ गाइस पढ़ाई स्टार्ट करने। सो गाइस दिस इज़ माय नोटबुक एंड अभी मैं करने वाली हूँ केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर्स एंड ये न्यू नोटबुक है इसमें मैं बनाने वाली हूँ नोट्स अभी एंड मैं लेक्चर्स करते करते फिर मैंने थोड़ा सा फ्रूट्स खाए एंड बाहर का इन्वायरमेंट इतना मस्त हो रहा था मतलब बारिश टाइप का मौसम हो रहा था एंड थोड़ी बहुत बारिश हुई भी थी। आई डोंट थिंक थोड़ी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एंड बारिश के बाद बहुत ही मस्त ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा उसकी एक क्लिप बना लेती हूँ और बाहर का इन्वायरमेंट मस्त मस्त हो रहा था एकदम। एंड देन मैंने शाम को थोड़ी सी खीर खाई थी एंड डिनर में आज मैंने बनाए थे मम्मी ने बनाए थे पकौड़े तो मैंने वो खाए एंड देन मैंने केमिकल काइनेटिक्स के इतने सारे मतलब आज मैंने लेक्चर्स करे थे तो उसके क्लिप था बट वो गया। छोड़ो यार, मैंने इतना सारा 10 pages के नोट्स बनाए थे आज मैंने एंड क्वेश्चंस भी करे थे एंड रिविज़न भी करा था। मैंने 2 lectures आज कम्प्लीट कर लिए थे केमिस्ट्री के। सो या फिर मैंने इसको क्लीन करा अपने टेबल को। सो गाइस अभी मैंने केमिस्ट्री की क्लास कंप्लीट कर ली है एंड केमिस्ट्री की क्लास के कंप्लीट होने के साथ मेरे फ़ोन के साथ हो चुका है कांड। मतलब जैसे मैं क्लिक करती हूँ ना लेती हूँ वो वाला फ़ोन जो है फेस से उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। सो ही मैं अगर लेक्चर करूँगी तो उसकी मैं क्लिप नहीं बना पाऊँगी। देखती हूँ मैं क्या करती हूँ एंड अभी मैं शायद फिजिक्स पढ़ने वाली हूँ गाइस। ओके एंड देन मैंने पूरी केमिस्ट्री की क्लास करी थी बेड पर टेबल बिछाकर एंड यहाँ पे अब मैं टेबल पे आ गई थी अपने स्टडी टेबल पे एंड यार राइस लाइट्स ख़राब हो गई। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना उसके लिए। छोड़ते यार, सारा गंदा गंदा काम ही हो रहा है मेरे साथ आज। फिर मैंने NCERT की रीडिंग करी हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर की बट आई डोंट थिंक मतलब मैं थोड़ा सा शाम में ना लो एनर्जी में आती हूँ इसलिए अच्छे से नहीं हो पाई। मुझे एक बार और पढ़ना पड़ेगा, एक बार और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैंने रीड करी पहले तो ये Girl,
streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. एंड देन मैं उठी थी शायद 12 बजे एंड मैंने तो रिविज़न करा था नोट्स का. हाँ, केमिस्ट्री की क्लास के नोट्स की मैंने रिविज़न करी थी. एंड मेरा जो है वो 9 आवर्स का तो नहीं कंप्लीट हुआ था, 9 आवर 30 मिनट का, बट 8 आवर्स एंड 50 मिनट्स का कंप्लीट हो चुका था आज का दिन. सो सी यू सो द नेक्स्ट वीडियो गाइस. बाय बाय.